आज हजर दोस्त इस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल बासित बलोच भाई से मुलाकात हुई और आसिफ भाई को सारी दुनिया जानती है इनके काम के हवाले से और ख़ास तौर पे जो सैलाब के दरमियान उनका काम था और वो रिक्कत अरमेज़ जो मनाजर उन्होंने लोगों के जो एक समा बांधा और उसके बाद जो लोगों ने सपोर्ट की। तो ये बासित भाई आप बताएँ कि ये जो आपने सारा आप दिखाई आपने 4 किलोमीटर लंबी ये जो दरख्तों की दीवार फिर एग्रीकल्चर में भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को घर भी बना के दिए हैं तो ये सारी जो आपकी स्टोरी है इसके पीछे जो है ना कामयाबी का राज क्या है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके पीछे कामयाबी का राज वो जज्बा है जो जज्बा मुझे कभी भी जो है मायूस नहीं होने देता और वो ये है कि हमें अपने हिस्से की क्षमा जो है वो जलानी चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। जितना आपके पास अल्लाह ने आपको सोर्स दिया है आपको ताकत दी है उसके मुताबिक आवाज़ उठाएँ और जब आप आवाज़ उठाते हैं तो अल्लाह पाक आपकी आवाज़ अगर खैर की हो तो उसमें आपके साथ लोग जोड़ देते हैं। मैंने तो यही देखा है। मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने पहला जो ऐलान किया मैंने कहा कि मुझे 2 रुपया चाहिए। एक पौधा जो है एक कलम जो है पॉपुलर की कलम वो 2 रुपए की आती थी उस वक्त। मैंने 2 रुपए की वो कलम से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह और उस साल हमने हज़ारों कलमें जो है वो तकसीम की और लगाई भी स्कूलों में मुख्तलिफ जगह पे। फिर अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई फिर हमने पौधे लगाए अभी भी हम लगा रहे हैं। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बाग लगा हुआ है जिसमें अनार भी हैं अमरूद भी हैं और जामुन भी हैं और 2 हमारे बाग वहाँ पर लगे हुए हैं खजूर के जो 20-20 खजूरों का एक पूरा यानी कि हमने 3,000-4,000 का एक जो पौधा मिलता है वो लगाया अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबी दे अल्हम्दुलिल्लाह और मजीद लोगों को इंस्पिरेशन है और ऐसे ही है। अगर आपने खैर का काम करना है तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई रास्ते में रुकावट नहीं आएगी और बाकी रहा कि आप परेशान हो जाते हैं ये लोग मेरे साथ तामन नहीं कर रहे आप उतना एक मुकल्लफ हैं जितना आपकी ताकत है इससे बढ़ के आप हैं ही नहीं तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। तो आप जितनी अपनी कैपेसिटी उसके मुताबिक काम करें अल्लाह आप पर राजी होगा। जिंदाबाद अल्लाह खुश रखे।